अब वक्त देश की बड़ी खबरों को जानने का, जानिए भारतवर्ष टॉप 9। बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर नीतीश कुमार के असंवेदनशील बयान पर बवाल मचा हुआ है। नीतीश ने कहा कि जो शराब पिएगा वो मरेगा, कि पियोगे तो मरोगे। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों में बरामद हड्डियां श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। गाजीपुर की अदालत ने अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। भगोड़े नीरव मोदी के भारत आने का रास्ता साफ हो गया है। नीरव को ब्रिटेन के हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नीरव द्वारा प्रत्यार्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। तवांग में झड़प के बाद जम्मू की सबसे बड़ी अनाज मंडी वेयर हाउस में चाइनीज खाद्य पदार्थ बेचने का बहिष्कार किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि देश से बढ़कर कुछ नहीं है, चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन ने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करते हुए शानदार शतक जमाया, इसके पीछे युवराज के पिता योगराज सिंह का हाथ है। स्पोर्ट्स 9 के इंटरव्यू में योगराज सिंह ने कहा कि अर्जुन भी सचिन की तरह दिग्गज क्रिकेटर बनेंगे। लड़के बॉलिंग तो छोड़ो एक साइड में, ये लड़का डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेटिंग बनेगा एक दिन। योगराज सिंह ने कहा अर्जुन तेंदुलकर एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनेगा। उसकी जो पावर है, उसकी बिल्ट है, उसमें की ब्लड लाइन में जो क्रिकेट है, वो दुनिया का बादशाह प्लेयर बनेगा, मेरी बात याद रखना। स्पोर्ट्स 9 के इंटरव्यू में योगराज सिंह ने अर्जुन तेंदुलकर की कोचिंग से जुड़ी कई सुपर एक्सक्लूसिव जानकारियां शेयर की। जी ट्रॉफी में डेब्यू करे और डेब्यू पे शतक लगा दी, कुछ ऐसा ही किया है अर्जुन तेंदुलकर ने। उनको ट्रेनिंग दी है योगराज सिंह ने। योगराज सिंह के फादर साहब हमारे साथ मौजूद है। योगराज सिंह का पूरा इंटरव्यू देखिए TV9 भारतवर्ष के YouTube चैनल @sports9 पर।